मोतिहारी के सुशील ने फिर किया कमाल। केबीसी में सुशील कुमार ने जीते थे 5 करोड़। अब पहले ही प्रयास में बने बीपीएससी टीचर। हासिल की 119वीं रैंक, फिर लहराया अपनी प्रतिभा का परचम। मोतिहारी के सुशील कुमार ने फिर से कमाल कर दिया है। पहले तो कौन बनेगा करोड़पति के पहले विजेता बनकर 5 करोड़ रुपए जीत कर देश में नाम रोशन किया था, फिर सुशील ने बीपीएससी की परीक्षा में बाजी मारी है। दरअसल मोतिहारी के लाल सुशील ने बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर ली है। बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ जीतने वाले पहले विजेता बनकर उन्होंने देश में अपना नाम किया था। अब एक बार फिर उन्होंने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है और फिर सुर्खियों में आ गए हैं। केबीसी विनर होना अभी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये एक शिक्षक होना ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है और हम प्रयास करेंगे कि इस जिम्मेदारी को निभाएं। कैसा लग रहा है आप लोगों के परिवार में, क्या स्थिति है, क्या माहौल है? नई नई जिम्मेदारी मिली है, सफलता आपके पीछे दौड़ रही है, आप सफलता के पीछे नहीं? हर आदमी सफलता के पीछे दौड़ता है, यही है। हम भी सफलता के पीछे दौड़े और मेहनत की। और एक आम बिहारी परिवार जो होता है ना, उसके घर में सरकारी नौकरी का बड़ा महत्व होता है और शिक्षक का जो है उसका कहना ही क्या। आप देख सकते हैं कि कितनी चर्चा पूरे देश में हो रही है, जो बिहार में शिक्षक बहाली निकली है, काफ़ी चर्चित है। इस साल की सबसे चर्चित अगर खबरों में देखा जाए तो शिक्षक बहाली की खबर है, तो उसमें होना बहुत बड़ी बात है, बहुत खुश हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, बच्चों को, अपने जीवन से लेके अभी तक? हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़िए, और आजकल का पढ़ाई का युग है, आजकल पढ़ाई का युग है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। खूब मेहनत कीजिए और निराश नहीं हुई। सबके जीवन में असफलता का फेज आएगा, आता है नहीं, आएगा। निराशा का समय आएगा, मैंने ऐसा नहीं है कि आता है नहीं आता, नहीं आएगा ही आएगा, और हमें उससे लड़ के उबर के आगे बढ़ना होता है। जो उबर जाता है इन सब चीज़ों से, वो फिर आगे एक बेहतर जीवन जीता है, बेहतर दुनिया दिखता है। दोनों में आपने पर्यावरण के लिए भी काम किया है, गौरैया संरक्षण के लिए भी काम किया है और सामाजिक कार्य भी किया है, करोड़पति भी बनने का मौका मिला है और आज एक शिक्षक है, सबसे बेहतर आप किसे मानते हैं? एक शिक्षक को हम सबसे बेहतर मानते हैं, क्योंकि एक शिक्षक अगर ईमानदारी से पढ़ाए, अच्छा करे, तो वो अनेकों अपने जैसे और बेहतर इंसान पैदा कर सकता है। केबीसी में अमिताभ बच्चन के 15 सवालों का बेबाकी से दिया था जवाब। मोतिहारी के हनुमान नगर के साधारण परिवार के रहने वाले सुशील, जो मनरेगा में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी करते थे, जहां से उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठकर अपनी पहली बार 5 करोड़ जीतकर सबको चौंका दिया था। केबीसी में अमिताभ बच्चन के 15 सवालों का बेबाकी से सुशील कुमार ने जवाब दिया था, इसके चलते उन्होंने इस शो में 5 करोड़ रुपए की राशि जीती थी। बिहार बीपीएससी की परीक्षा में सुबह में सुशील कुमार ने 119वीं रैंक हासिल की है। अब बीपीएससी की परीक्षा पास करके वो बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं। करोड़पति बनने के बाद पर्यावरण संरक्षण में जुटे सुशील। करोड़पति बनने के बाद भी सुशील ने बिना किसी तामझाम के सादा जीवन, उच्च विचार को चरितार्थ करते हुए अपने समाज में रहकर समाज के प्रति जवाबदेही तय की और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काफी सफल कार्य किए, जिसमें उनके द्वारा चलाया गया गौरैया संरक्षण अभियान और चंपा से चंपारण अभियान पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना। फिर जागी पढ़ने की इच्छा और बन गए शिक्षक। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव को देखने वाले सुशील कुमार को इसी बीच पढ़ने की फिर से इच्छा जागी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वापस लौटने का लक्ष्य तय किया। इसके लिए स्वयं अध्ययन में समय देने लगे। इसी महीने मनोविज्ञान विषय में पीएचडी करने के लिए उनका चयन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हो गया। वहीं पर बीपीएससी की शिक्षक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो कक्षा 6 से 8 में रैंक में 1692 और 10+2 में मनोविज्ञान में रैंक 119 लाकर एक बार फिर से सबको चौंका दिया। वहीं उनके इस उपलब्धता के बाद उनके घर में बधाइयों का तांता लगा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से राजीव रंजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।